आप तैयारी कर रहे हो और मेंस लेवल में अगर आप न्यू पैटर्न क्वेश्चंस नहीं किए तो डेफिनेटली न्यू पैटर्न क्वेश्चन आर गोइंग टू ट्रबल यू बट डोंव गॉट यू कवर्ड आज के सेशन में मैंने मोस्ट सभी सभी के सभी जितने न्यू पैटर्न क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे एक साथ मैं लाया हूँ और वो न्यू पैटर्न क्वेश्चन को डील कैसे करना है क्या करना है वो सब चीजें आप जानोगे वैसे मैं अपने सेशन में काफी बार जो है ये न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन लाता रहता हूँ मैं भी काफी लोगों को लगे अरे ये तो वही है बट स्टिल उसको कैसे डील करना है मेंस के टाइम जो प्रेशर रहेगा आपके ऊपर उस प्रेशर के साथ कैसे डील करना है वही जो है मैटर करेगा एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज सेशन सो फटाफट से सेशन को कर दो शेयर और अपने दोस्तों को बुला लो सो दैट एवरी वन एंड गेट्स द बेनिफिट ऑफ द सेशन आई कैन सी स्टूडेंट्स कमिंग अप यहाँ पे मेरे को प्राची दिख रही है हाई प्राची देन अनुभव हैज हेलो अनुभव अंकित इज हि हाई अंकित शेफाली सागेन देन मोहित जीतराम अमोल सो वेरी वेलकम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन लेट स्टार्ट द सेशन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू आपको बता दू अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं बने तो टेलीग्राम चैनल का पार्ट जरूर बन जाइए द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल इज आदित्य सर टेक्स बुक इस चैनल का पार्ट बनते ही आप सभी के सभी मेरे जितने सेशंस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एक्सेस कर पाएंगे उनकी लिंक वहां मिल जाती है जितने भी आप सेशंस अटेंड कर रहे हो उनकी पीडीएफ आपको इसी चैनल पे मिलती है साथ ही साथ क्विजेस कंडक्ट करवाए जाते हैं हर रोज साढ़े नौ बजे और वीकली ग्रुप डिस्कशन सेशंस भी हम रखते हैं जो कि एवरी वीकेंड होता है किसी एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं सो दैट आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में भी निखार आए डेवलपमेंट आए दैट विल हेल्प यू वेन एवर यू आर गोइंग फॉर गोइंग टू अपीयर फॉर मीन डिस्क्रिप्टिव जीडी इंटरव्यू तो वहाँ आपको काफ़ी हेल्प मिलती है क्योंकि आप उधर से काफ़ी चीज़ें सीखते हो तो इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं तो काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में लेकर आज आया हूँ देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है एंड uh, करना वही है देखो चीज़ें मैंने पहले ही बोला इंग्लिश को अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखो इट्स इजी चाहे कुछ भी आ जाए अलग कुछ नहीं होगा इंस्ट्रक्शंस पढ़ना आपको आता है इंग्लिश आती है तो इंस्ट्रक्शन में जो लिखा है उसके हिसाब से अपनी चीज़ें अपना आंसर कर सकते हो तो लेट स्टार्ट द सेशन हेयर इट इज चूज द कॉम्बिनेशन दैट क्रिएट द करेक्ट सेंटेंस तो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन पकड़ना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस की तरफ इशारा कर रहा है ओके okay? तो ठीक है एस बी आई क्या है सर पीछ, पीछे उसकी फिंगर्स पे ब्लू कलर क्यों है बताया ये अंकित ने बता दिया उसका जवाब है ना तो आई होप सो दिस इज क्लियर तो आगे बढ़ते हैं लेट स्टार्ट क्या है ये मैच द कॉलम्स जानते हो ना ये मैच द कॉलम्स का एक और नया वर्जन है न्यू पैटर्न में आता है ये देख लो क्या करना है आपको ये वर्ड जो है ये न्यू पैटर्न है और मेन्स का लेवल है ठीक है क्या होता है आपके साहब ने ये वर्ड दिए ये कंजंक्शन ये सेंटेंस कनेक्टर मैच द कॉलम का मिक्सचर है ठीक है सेंटेंस कनेक्टर और मैच द कॉलम का मिक्सचर है तो आपके साहब ने ये वर्ड्स लिए इनको लेते हुए इनको एज अ कनेक्टर यूज करते हुए आपको कॉलम वन और कॉलम टू को कनेक्ट करना है करो देखो इनफैक्ट कॉलम वन और कॉलम थ्री को कनेक्ट करना है कॉलम टू को एज अ सेंटेंस कनेक्टर लेते हुए करो मस्त वाली चीज है हियर वी आर मर्जिंग सेंटेंस कनेक्टर एंड मैच द कॉलम्स ऐसे क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगे इसलिए इस चीज का बढ़िया से बेनिफिट उठा लो फटाफट से करो क्या होना चाहिए कम ऑन आंसर इट और एक काम करना आज सेशन को शेयर इस स्क्रीनशॉट के साथ करना ठीक है एक पैटर्न दिखा दो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर शेयर करो कि देखो इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन न्यू पैटर्न क्वेश्चन करवाने वाले हैं सर या करवा रहे हैं सो दैट स्टूडेंट्स को पता चले कि यार केवल लिखा ऊपर न्यू पैटर्न है वैसा नहीं असलियत में भी न्यू पैटर्न करवाए जा रहे हैं कम ऑन ठीक है तो लोग बता रहे हैं यहां पे ए थ्री सी ओके ऑप्शन नहीं ऑप्शन पीछे होंगे एक्चुअली आज जो है ना स्लाइड जिन्होंने बनाई है उन्होंने पूरी स्पेस दी है हम लोगों को कि आप आराम से पढ़ो इन्होंने सब जगह जो है अपने ऑप्शन पीछे रख दिए हैं तो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा आप लोगों को लेकिन कोई बुराई थोड़ी ना है अपन अपने आंसर्स कर लेते हैं उसके बाद अपन उसमें केवल मैच करेंगे अब तो अपन को उसकी आदत हो चुकी है ना और कॉन्फिडेंस उससे ज्यादा आता है तो काफी लोग बोल रहे हैं ए थ्री ई ए एफ कोई बोल रहा है ओके ए थ्री एफ सी टू डी बी थ्री ई थ्री ए टू अरे वाह सबके अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर देखने को मिले हैं देखते हैं मेरी मेरी वॉज एक्साइटेड जस्ट मिनट प्लीज मेरी वॉज एक्साइटेड अबाउट द कुकिंग कॉम्पिटिशन अनलाइक स्पाइट ऑफ यावर पहले इधर इधर देख लो ऐसे क्वेश्चंस को करने का है पहले उनका सेंस पकड़ो कि कौन कौन से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं फिर अपन वो देख सकते हैं तो मेरी वॉज एक्साइटिंग अबाउट द कुकिंग कॉम्पिटिशन यहाँ ये पार्ट जो है ये हो सकता है कुकिंग कॉम्पिटिशन ये मेन चीज है पीपल डिस्करेजिंग हिम तो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यहाँ हर है मेरी है लड़की है मोस्ट प्रॉबली हर फैमिली मेरी की फैमिली वॉज वेरी अप्रूविंग ऑफ हर करियर चॉइस हाँ चलेगा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है पेट्रीशिया तो इसका आई डोंट थिंक उसका नहीं सेंस बनेगा नहीं तो मोस्ट प्राइवली ये हो जाएगा ये और ये और ये अपोजिट बात है वो एक्साइटेड थी लेकिन उसकी फैमिली नॉट वेरी अप्रूविंग तो ऐसे में हाउ एवर लग के ये काम हो सकता है कि ए थ्री और ई e हो जाएगा ए थ्री और ई e में एक लिख लेता हूं ठीक है और क्या है जरा देखे और क्या है माइक एंजॉयड कैंपिंग इंस्पायर पीपल डिस्करेजिंग इम फ्रॉम डूइंग सो

अनलाइक ओके okay. चलो देख लेते एक पॉसिबिलिटी रखते बी वन एफ की भी तो ये है यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हुए हैं अगर देखे तो ए टू थ्री ए थ्री ई है ओके ए थ्री ई है हमारे पास और क्या है सी टू डी ये भी है हमारे पास ठीक है तो ये हो जाएगा सी थ्री डी तो नहीं होना था नहीं तो बी वन एफ भी एक बार के लिए सही हो सकता था ठीक है लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा इसलिए ये नहीं होगा B2E नहीं चाहिए अपन को बी वन एफ हो सकता है C3 भी नहीं चाहिए भी नहीं तो आंसर हो जाएगा फिफ्थ वाला फिफ्थ वन वुड भी मार्क डर करेक्ट आंसर ओके आई होप सो दिस इज क्लियर तो पांच वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू एवरी वन यस क्लियर है तो इस तरह से हमें इसको करना है कोई डाउट मन में कोई सवाल नहीं होने चाहिए अगला क्वेश्चन आपके सामने करो देखे कितने लोग इसका आंसर सही करते हैं <coughs> मेंस लेवल क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि बहुत कठिन रहेंगे कठिन केवल आप मेंटालिटी में घुसा लेते हैं इसलिए वो कठिन लगने लगता है मेनली जो मेंस लेवल क्वेश्चन का मेन मोटिव होता है ना वो होता है क्या आपको बताऊं वो होता है आपका टाइम खर्च करना इतना पढ़ने में एक दो तीन चार पाँच छह इतना पढ़ने में नौ चीजें हैं एक तरह से उनको पढ़ने में हमारा जो टाइम जाएगा दैट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स और इसीलिए हमें डिसाइड करना है कि हम कौन कौन से में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं आता भले ही आपको सब हो लेकिन अगर आप टाइम सही जगह इन्वेस्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आर गोइंग टू यूनिट ओके फाइन तो यहाँ लोग बता रहे हैं क्या होना चाहिए चलो देखते हैं ज नॉट okay. है स्ट्रॉन्ग ग्रासमेटिक्सन वॉज इन द रोंग सारेउट द रोड ट्रिप विस्ट प्लेस ऑन टॉप ऑफ दी है सुमन जो है पहली बार में जो उसने मतलब सोचा वो गलत था ठीक है लेकिन बावजूद उसके शी हेड दिटी टू आर्त हुआ तो क्या हुआ है ना तो वो वाला कैसा तो बी

दे वर गेटिंग टूगेदर आफ्टर इलेवन ईयर तो ये भी बन रहा है ठीक है ये कौन सा है सी टू और एफ सी टू और एफ तो बी थ्री डी बी थ्री डी देखो कहाँ दिख रहा है बी थ्री डी नहीं है बी थ्री डी और कौन सा है ए वन ए वन ई है यहाँ पे उसके अलावा और कौन सा है सी टू एस सी टू एस सी टू एस सी टू एस सी थ्री एफ है सी टू डी है नहीं है आंसर हंड्रेड परसेंट क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा सो दैट्स वॉट द आंसर शुड बी ओके आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा टाइम टेकिंग रहेगा बट फटाफट आंसर इसमें मतलब शॉर्ट शार्ट आ सकता है कुछ हद तक ठीक है तो उसी के हिसाब से चलना है इसमें अभी ग्रामर के भी मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है थीके? कि कुछ ग्रामेटिकल एरर है इसके कारण कनेक्शन नहीं बने देखते हैं वैसे भी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है तो एज इट इज निकिता वॉज फाइंडिंग इट हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट सीमा अरे सीमा सीम्ड टू हैव एंजॉयड द मूवी द ट्रीज वर बींग कट डाउन ओके नेबर्स लाउड म्यूजिक टू एड टू हर डिस्कर्ट पहले या प्लस लगा सकते हैं हम दोनों चलेगा वैसे तो एडिशनली नेबर्स लाउड म्यूजिक टू एड टू प्लस द नेबर्स ये भी पॉसिबल है ए डी तो पक्का है ए और डी तो पक्का है अब उसमें टू या फिर थ्री में से कुछ एक आएगा ठीक है टू या थ्री में से कुछ एक आएगा देखना पड़ेगा सीमा सीम टू है मूवी वाइल हर फ्रेंड्स थॉट इट वाज टू फिलोसॉफिकल उसको मूवी पसंद नहीं लेकिन दूसरी तरफ उनके फ्रेंड्स को बहुत फिलोसॉफिकल लगी तो ऐसे में बी वन एफ की एक पॉसिबिलिटी बनती है बी वन एफ ओके और क्या है द ट्रीज वर बीइंग कट डाउन एडिशनली द मॉनसून लेड टू लैंडस्लाइड्स प्लस द मॉनसून लाइटर ये भी फिर से वही होगा सी और ई e फिर से टू थर्ड टू थर्ड टू और थर्ड का देखना पड़ेगा तो डी बी एफ सी तो देख लो एडी ए डी बी एफ सी बी एफ बी एफ नहीं है सी नहीं है सी नहीं है बात खत्म ए वन डी है नहीं नहीं, नहीं 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 ये तो गड़बड़ हो जाएगा ए वन डी अच्छा चल जाएगा हाँ ये भी चलेगा ओके हाँ सही भी इधर है नहीं, नहीं 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 क्या सही है ए वन बी एफ सी बी एफ अच्छा बी एफ यहाँ है सी ई तो नहीं है ना सी ई नहीं है तो बी में बी वन एफ बी वन एफ हुआ है अपना हाँ यही हुआ है एक्चुअली तो आंसर ये हो पाएगा देखो तो ये कभी कभी ऑप्शंस लगाते हुए भी हमसे गलती हो सकती है जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इसलिए ध्यान रखना मैं ये लगा देता शायद लेकिन फिर मुझे याद आया कि ए मैं तो अपन ने टू या थ्री मांगा था वन नहीं हो पाएगा वन तो अपोजिट बात करेगा उसमें और ज्यादा पहले वो परेशान थी और उसमें साउंड चला रहे थे बहुत तेज तो ऐसे में ये वाइल नहीं हो सकता तो ऐसे में आंसर ये तो नहीं है आंसर आपका फिफ्थ वाला होना चाहिए फिफ्थ वन वुड बी द करेक्ट आंसर ओके उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर है बी वन एफ बी है बी वन एफ बी है बी वन एफ बी है कहाँ है बी वन एफ है ना बी वन एफ देखा हमने अरे अब क्या बताए बना दिया उन्होंने वैसा मैंने कोशिश की चेंज करने की लेकिन वो बहुत चेंज करना पड़ रहा था मुझे शायद ये तीन तीन वाले हैं ना तो नौ का कॉलम बच जा रहा है इसलिए वो बड़ा ले रहा हैं या तो मैं इधर ही करता कोई दिक्कत नहीं चलो ठीक है प्रैक्टिस अच्छी हो रही है एटलीस्ट हम उसके बहाने से तीनों कर पा रहे हैं मतलब सॉल्व कर रहे हैं अच्छा है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है आगे लिखा है फिर से अब ये नॉर्मल वो वाला मैच द कॉलम है लेकिन ध्यान रखना मेन्थ लेवल है तो कुछ और भी तिकड़म हो सकता है फ्रेस फ्रॉम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम मे और मे नॉट कनेक्ट विद्रेज फ्राम द सेकेंड कॉलम टू मेक अ ग्रामेटिकल एंड कंटेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस दर आर फाइव ऑप्शन फोर फोर ऑफ विच डिप्ले द सीक्वेंस इन विच द फ्रेजेस कैन बी जॉइन टू फॉम अ करेक्ट सेंटेंस ओके इफ नन ऑफ द फ्रेजेज मेक अ करेक्ट सेंटेंस मार्क नन ऑफ दीज करो देखो पढ़ो जरा क्या लिखा है पढ़ के इसका आंसर करो कमऑन चेक ऑप्शन फोर क्या दिक्कत है ऑप्शन फोर में देख लेते हैं एक मिनट ऑप्शन फोर भी है एक मिनट रुको एक मिनट रुको ए थ्री डी अच्छा ऐसा है ओके ओके ए थ्री डी भी हो रहा है और बी वन एफ भी हो रहा है ठीक है देखते हैं इसको आप लोग ही वाला करो तब तक ठीक है फिर देखते हैं इसको ओके ए बी डी काफ़ी लोग कर रहे हैं चल देखते हैं ट्रांसपोर्टेबिलिटी कैन बी एंड स्पेशली वैल्यूएबल फीचर ऑफ़ स्टोरेज सिस्टम फॉर एटलीस्ट टू रीजन्स अच्छा काफ़ी लोगों को ये कन्व्यून हो सकते हैं स्पेशली के आगे एन सही होता है स्पेशली का जो प्रोनसीएन होता है वो ए से होता है अस्पेशली ऐसा है अस्पेशली इसलिए वहां पे कोई गलत नहीं है एंड सही होता है कोई इशू नहीं है ठीक है तो ट्रांसपोर्टेबिलिटी कैन बी एंड स्पेशली वैल्यूएबल फीचर ऑफ स्टोरेज सिस्टम फॉर एटलीस्ट टू रीजंस दो रीजन है पता है कौन कौन से फर्स्ट ट्रांसपोर्टेबल स्टोरेज कैन बी इट इज नीडेड मोस्ट एंड वेयर और वेयर बेनिफिट टू से बोले है तो दोनों रीजन दिख रहा है सेकेंड सम लोकेशन बेनिफिट ओनली लास्ट फॉर वन और टू ईयर्स तो ए और ई की एक पॉसिबिलिटी बन रही है स्टोरेज दैट यूजेज मैकेनिकल मीन टू स्टोर एनर्जी टेंड्स टू बी प्रोन टू एनर्जी डिसिपेशन फॉर एक्साम्पल एनर्जी स्टोर्ड यूजिंग पम्प्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज मे बी लॉस्ट टू एवेपोरेशन बी और डी भी हंड्रेड परसेंट वहां पर सही हो रहा है गवर्नमेंट सॉट टू क्रैक डाउन ऑन इंट्रैक्शन विद द एक मिनट एक मिनट देना हेलो ओके okay. सो so, अगर देखा जाए बा, क्या बात हो रही थी तो स्टोरेज दैट यूज मैकेनिकल मीनस आवाज आ रही है ना हेलो 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 हाँ ठीक है तो स्टोरेज दैट यूजेज मैकेनिकल मीन्स टू स्टोर एनर्जी टेंड्स टू बी प्रोन टू एनर्जी डिसिपेशन ओके फॉर एग्जाम्पल एनर्जी स्टोर यूजिंग पंप हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज मे बी लॉस टू ऑपरेशन ये भी हो रहा है गवर्नमेंट सॉट टू क्रैक डाउन ऑन इंट्रेक्शन विद द ओके okay, मैकेक्स मतलब एक ये मंकी के लिए होता है ओल्ड मंकी के लिए यूज किया जाता है विच रैंक अमंग द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन कोल्ड वार्स नहीं 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 ये नहीं हो रहा कनेक्ट तो ठीक है ए ई e हो रहा है बी डी हो रहा है ए ई बी डी आंसर हो गया फर्स्ट वाला करेक्ट होगा ठीक है ए ई और बी डी भाई उसमें अगर देखा जाए ना इस वाले में आप लोग जो कह रहे हो बात सही है ए थ्री डी भी हो रहा है गलत बी वन एफ भी नहीं है बी वन एफ में भी कुछ गलत नहीं लग रहा है सीमा सीम्ड टू हैव सीमा सीम टू है मूवी वाइल्ड हर फ्रेंड्स थॉट इट वॉज टू फिलोसफिकल गलत तो ये भी नहीं लग रहा है वैसे या तो ऑप्शन का वो होगा दोनों ही सही जा रहे हैं वैसे तो और दोनों में से एक मार्क करना किसी भी एक के साथ ना इंसाफी हो जाएगी दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं चलो इसको थोड़ा और अंदर जाएंगे तब समझ में आएगा आगे देखते हैं आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो उससे पहले आपको बता दूं अगर आप टेक्स बुक पास लेना चाहते हैं टेस्ट बुक बुक पास पास है क्या बेसिकली उसके बारे में अगर बताएं तो इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू स्कोर एग्जामिनेशन कितना भी नजदीक आ जाए अगर आप या एग्जामिनेशन कितना भी दूर भी हो अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हो प्रैक्टिस कहां से करें प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका वो है आपका टेक्स्ट बुक पास यू हैव द टेक्स बुक पास टेक्स बुक पास के तहत आप क्या करो मॉक्स एक नहीं दो नहीं तीन नहीं छब्बीस हजार से ज्यादा मॉक्स अवेलेबल है तीन सौ नब्बे से ज्यादा एग्जाम्स के लिए ठीक है और अगर एक एग्जाम एक की बात करें तो भी उसमें बहुत सारे एस के लिए आई के लिए इस तरह से काफी सारे मॉक्स अवेलेबल है जो कहीं से भी कम नहीं बढ़ने वाले उसके अलावा इतने एक्टिव टेक्स बुक पास यूजर्स है इस प्लेटफॉर्म पे 18 करोड़ से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट किए जा चुके हैं जिसमें कि आप खुद समझ सकते हो जब 18 करोड़ से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट हुए तो कितनी जनता वहां पे रहेंगी जिसके साथ आप कॉम्पीट करोगे और आपको बिल्कुल स्कोर ऐसा लगेगा जैसे एग्जाम में रैंक निकलती है बिल्कुल वैसा फील आने लगेगा पांच से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स है और साथ ही साथ दस से ज्यादा लैंग्वेजेस में तो अगर आप लेना चाहते हैं टेस्ट बुक पास तो केवल और केवल करना क्या है आपको आपको केवल इतना करना है कि आपको टेक्सट बुक की वेबसाइट खोलनी है जैसे आप टेक्स बुक की वेबसाइट खोलते हो ठीक है जैसे ही आप टेक्स बुक की वेबसाइट खोलते हो जैसे आपने यहाँ पे ओपन किया टेक्सट बुक ओके जैसे आपने टेक्सट बुक यहाँ खोला ये आ गया आपके सामने ठीक है इसमें आप क्या करो पास पे जाओ पी एडबल एस तो पास एंड पास में आप जैसे लाइफ टाइम पास लेना चाहते हैं आप लाइफ टाइम ले सकते हैं ईयरली टेस्ट बुक पास ले सकते हैं ईयरली टेस्ट बुक पास लेना है और उसके बाद जो भी आपको लेना है अप्लाई कूपन कर दो अप्लाई कूपन करते ही आपको क्या यहाँ पे कूपन कोड डालना है और कूपन कोड आप क्या डालोगे टीम पास इसका आप इस्तेमाल करो टी ई एम पी ए डबल एस जैसे आपने टीम पास डाला आपको देखने को मिलेगा कि वही पास जो अभी थ्री नाइनटी नाइन में दिख रहा था वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इतना डिस्काउंट मिल गया टू एट्टी रुपीज का केवल मिल गया है और सिक्स नाइन नाइन का लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास फोर नाइनटी मिल रहा है और क्या ही चाहिए तो आप जाके जो है इसको एनरोल कैसे करने का है आप या तो टेक्स बुक के वेबसाइट पे जाके इस तरह से पास पर क्लिक कर सकते हैं एल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया हुआ है यूट्यूब का जो सेशन अभी चल रहा है उसी को आप ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे मेरा ये जो सेशन है उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन है दिख रहा है ना तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये काम कर सकते हैं आई होप सो दिस इज क्लियर बाकी देखे अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले कहा गया Next question देखे, next question क्या है? है है। अभी match the column से आगे आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके सामने वो है, usage का काफी लोगों को परेशान करता है करोगे, तो इट हेल्प यू इन द वेरी बेटर मैनर ओके और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा इन अ वेरी गुड मैनर और एक चीज और वर्ड यूजेज के लिए मैंने एक सेशन अभी लाइव लिया था थोड़ी देर पहले ही तीन बजे तीन बजे मैंने एक सेशन लाइव लिया था वर्ल्ड यूजेज के लिए कितने लोगों ने वो सेशन देखा था जरा एक बार बताओ कि यस आई वॉज डट सो दैट मुझे पता चले कितने लोगों ने देखा था जिन्होंने नहीं देखा वो सेशन जरूर देखिए मैंने आपको बताया है कुछ वर्ड्स एग्जैजरेट एग्जास्परेट और एग्जाजरबेट इन तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है और तीनों वर्ड्स को याद रखने की एक ऐसी त, ऐसी ट्रिक जिसके बाद आप कभी ये तीनों वर्ड्स भूल नहीं पाओगे एग्जैजरेट का बताया था एग्जास्परेट बताया था और एग्जैसरबेट भी बताया था तीनों के मीनिंग्स और तीनों का जो याद रखने की ऐसी ट्रिक जिसके बाद भूलोगे नहीं तो ये वर्ड्स आपके

डिसाइड वॉट ही लर्न फ्रॉम हिज ओन ऑब्जर्वेशन ही कलेक्टेड मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स कंसर्निंग कंट्रीज ही वॉट ही लर्न फ्रॉम सही है कोई दिक्कत नहीं जो उसने खुद से खुद के ऑब्जर्वेशन से सीखा परफेक्ट है बट इन प्रोसेस ऑफ टाइम ही लर्न टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिटिश काउंसिल्स ये भी सही है ही लर्न टू अंडरस्टैंड मतलब उसने उस चीज को सीखा तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है और अयर और टू लेटर अयर ऑर टू लेटर ही लर्नड टू प्ले द वॉयिन एंड टू स्पीक फ्रेंच लर्ड यहां पर भी सीखा है कोई इश्यू नहीं है परफेक्ट है बट द लेसन दस लर्न वर सफिशंटली स्ट्राइकिंग टू मोल्ड हिज होल कैरेक्टर एंड पॉलिसी ये भी सही है लर्न टू यहाँ पे कुछ भी सीखा ही है फिर से और आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट लर्न नहीं हो सकता स्टार्ट के बाद जेरन आएगा तो स्टार्ट लर्निंग आ जाएगा स्टार्ट लर्निंग वॉट इट मीन टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग तो पांचवा वाला आंसर जो है हम मार्क करेंगे एज द करेक्ट आंसर ठीक है पांचवा वाला हमारा आंसर मार्क किया जाएगा आई होप सो दिस इज क्लियर अगले वाले में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आफ्टर वर्ल्ड आफ्टर वर्ड्स पता ही है आप लोगों को देखो सुन आफ्टर वर्ल्ड ही एंटर्ड पॉलिटिकल लाइफ चल सकता है वैसे एक बार इसको साइड में रखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो आई थॉट आफ्टरवर्ड्स दैट सेवन वॉज टू अर्ली एंड चेंज द रिजर्वेशन टू एट सही है afterwards मतलब बाद में कोई दिक्कत नहीं है आफ्टरवर्ड्स आई वेंट टू द दॉर्सेज टू ग्रैब अवर लंच आई वेंट टू द दॉर्सेज टू ग्रैब अवर लंच ओके ठीक है ये भी चल सकता है बाद में एज ए यूथ ही फ्लेड फ्रॉम होम टू होम टू एस्केप अ क्लरिकल एजुकेशन बट आफ्टरवर्ड्स ज्वाइंट हिज फादर इन कोस्टिंग ट्रेड आफ्टरवर्ड्स बाद में ये भी सही है थॉटफुल आफ्टर वर्ड द ऑदर ना ना आफ्टर वर्ड नहीं हो सकता यहाँ पे दर डिस्क्राइब इज राइटिंग प्रोसेस एंड एक्नोलेज द डिफिकल्टीजाउंटर्ड सच अल्टॉपिकर वर्ड की जगह लगना चाहिए बुक जैसे प्रीफेस होता है सबसे स्टार्टिंग में बुक के वैसे ही आफ्टर वर्ड बोलते हैं जो लास्ट में होता है जहाँ एक्सपीरियंस जैसे आप लोग देखते होंगे काफी सारी मूवीज होती है जिनके लास्ट में उसकी मेकिंग दिखाने लगते हैं कि ये बना तो कोई सीन को कैसे बार कितना टेक लिया एंड ऑल वैसा दिखा देना वैसे ही किसी बुक में अगर क्या था कैसा एक्सपीरियंस रहा इसको लिखते वक्त तो उसको बताने के लिए आफ्टर वर्ड डब्लू ओ आर डी ये लिखा जाता है तो आफ्टर वर्ड ये करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर फिर से फिफ्थ वाला मार्क किया जाएगा फिफ्थ वाला हमारा आंसर रहेगा क्योंकि वहां गलत यूज किया गया है उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर है ओके आफ्टर मत नहीं थ तो आफ्टर इफेक्ट्स के लिए होता है इन अ थॉटफुल आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आफ्टर मत जो है वो ला जो एक नेगेटिव सेंस में आने के लिए यूज किया जाता है नेगेटिव वे में जब आप यूज करते हो तो आफ्टर मथ यूज किया जाएगा ओके नेगेटिव सेंस में तो वो नहीं होगा आगे लिखा है बिलो अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाई थ्री सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ दैट वर्ड आइडेंटिफाई द देंटेंस विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द वर्ड चूज ऑप्शन फाइव वर्ड इज नॉट सुटेबल इन एनी ऑफ चलो देखते हैं है? okay. अच्छा है, है. है? तो है कौन सा वाला सही यूज हुआ सही बताना है, बेस्ट बोला है ना बेस्ट एक्सप्रेस yes, बेस्ट एक्सप्रेस बोला है तो बेस्ट एक्सप्रेस आपको बताना है करो फटाफट से क्या होना चाहिए फटाक से आंसर बताओ कमॉन और सेशन अगर आपको लग रहा है यार इतनी वेराइटी ऑफ न्यू पैटर्न क्वेश्चन लाए सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक like करने में क्या ही कंजूसी करना है ना सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक like का बटन जरूर प्रेस करे अपनी अटेंडेंस मार्क कर इससे पता चले कितने लोग यहां पे लाइव प्रेजेंट है कम ऑन फटाफट से अपनी जो है प्रेजेंट मार्क कर ओके okay, तो यहां देखो यहां क्या होगा द फील्ड ऑफ टस्कनी फॉर द मोस्ट पार्ट दी आर वीट वन ईयर एंड in तो मेज द नेक्स्ट इन परपेल इंटरचेंजेस पढ़ के इतना गलत है या मक्का वाला मेज आना चाहिए एम ए आई जेड ई वो होती है स्पेलिंग मेज ठीक है मक्का वाला तो वो आएगा यहाँ पे एम ए जेड ई नहीं आएगा द वेयर हाउस हैंग ब्लैंकेट इन टू अ मेज ऑफ ऑलवेज एंड पर्सनल रूम मेज मतलब पता होगा ऐसा पजल टाइप का जैसे नहीं होता ऐसा एक मान लो एक पूरा एरिया इतना और उसमें ऐसे अलग अलग टाइप के ऐसे बनाए होते हैं मतलब छुपन छुपाई जिसमें खेल सकते हैं इस तरह से बना रहता है पूरा है ना तो वो आपका हो जाता है इस तरह से तो ये जो है आपका वो मेज़ हो जाएगा किसी तरह से तो ऐसे में यहाँ छुपन छुपाई खेलते बच्चों के लिए बनाया जाता है ज़्यादातर वो है मेज ठीक है मेज ऑफ ऑलवेज एंड पर्सनल रूम सही है ओल्डर पार्ट ऑफ द सिटी ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिज आर अज ऑफ नैरोउंडेड बाय रूड वॉल्स अगेन मेज मतलब फिर से वही पजल टाइप का मेज तो, ऑफ तो कहने का मतलब यहाँ पे सेकंड सही है थर्ड सही है पहला गलत है सेकंड सही है थर्ड सही है बी एंड सी सेकंड वन वुड बी मार्क द करेक्ट आंसर वेरी गुड जितने लोगों ने सेकेंड मार्क किया है अगला देखो ये एक और वर्ड है लिखा है दून वॉज नियरली फुल But as the season crept toward the 4th of July and the heart of summer, finding a dinner seat anywhere in Ore would often require patience. School was back in season after the holiday recess, so the rink was nearly empty. After the season of uh, civil wars under the sway of the Tokug Tokugawa, the building and improvement of roads were on steadily. Went on steadily. Okay. Kya ho अच्छा क्वेश्चन है ये देखें कितने दे लोग इसको सही कर पाते हैं कमोन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये ओके कुछ लोग बोल रहे हैं ओनली ए होना चाहिए ओके अच्छा बाकीयों के मेरे को फिर वो बताना अगर आपको जो भी लगता है वो ठीक है लेकिन उसके अलावा अगर आप कह रहे हो कि बी सही है तो ए सी में क्या दिक्कत है क्या सही वर्ड होना चाहिए वो आपको बताना है कमोन ओनली ये काफी लोग बोल रहे हैं। सेशन आएगा बाकियों में। सेशन आएगा। चलो देखते हैं जैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी गर्मी के हिसाब से सीजन सही है यहाँ पे फाइंडिंग ये तो ठीक लग रहा है स्कूल वॉज बैक इन सीजन नहीं होगा the school was back in session आना चाहिए। वॉज बैक इन सेशन आफ्टर द हॉलीडे रिसेस नियरली एम टी ठीक है यह अपने आप में मतलब गलत हो गया आफ्टर द सीजन ऑफ सिविल वॉर अंडर दाना ना सीजन नहीं हो सकता यहाँ आना चाहिए बिल्डिंग एंड ओके उसके बाद वो बेहतर हुआ है तो सीजन नहीं इसको उस टाइप का चाहिए खत्म होने के लिए सेसेशन वुड बी दर्ड से मतलब एंडिंग ऑफ समथिंग आफ्टर द सेसेशन ऑफ सिविल वॉर अंडर द स्वे ऑफ द टोकू गावा द बिल्डिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड वेंट ऑन स्टडीली तो सेसेशन होना चाहिए मतलब केवल सही है एनली ए फोर्थ वन वु मार्क्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नहीं सी में सेशन नहीं सी मेसेशन आएगा cessation मतलब कलमिनेशन एंडिंग ऑफ समथिंग ठीक है तो आफ्टर द एंड ऑफ सिविल वॉर्स अंडर द द द ऑफ बिल्डिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स वेंट ऑन स्टेडीली तो सेशन होना चाहिए खत्म होने के बाद आगे देखो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट लिखा है ओके यहाँ देखो यहाँ आपको क्या लगता है आंसर हो सकता है ये है क्वेश्चन वो क्या आप लेवल और अगर हंड्रेड परसेंट श्योर हो तो ही आंसर बताना नहीं तो स्किप करना बेटर रहेगा ठीक है वो करना भी सीखना पड़ेगा कम ऑन नॉट श्योर ओके स्किप फोर्थ वाला बी एंड सी स्कीप वो कैफ क्लियर मीनिंग नहीं पता है इसका ओनली सी लेकिन नॉट श्योर इज दिस यूजफुल फॉर एवरी एग्जाम एवरी बैंकिंग एग्जाम एस एस सी में ये नहीं काम आएगा

और उसके अलावा कह रहा है सिली स्लैंग इज नॉट टॉलरेटेड बाय गुड न्यूज़पेपर्स बट एन एक्सप्रेसिव डेस्टिट्यूड मे बी यूज टू अवॉइड पिडेंट्री तो है तो ये थोड़ा स्किप करने लायक ही है ना क्योंकि आप अगर श्योर नहीं हो किसी मीनिंग के और फिर उसके बाद मार्क कर रहे हो दैट मीन्स यू आर जस्ट रिस्किंग इट ओके एंड मीन्स इज नॉट अबाउट रिस्क टेकिंग रिस्क मीन्स इज अबाउट आंसरिंग दोज क्वेश्चन दैट यू आर डैम श्योर ऑफ अभी तक के जितने क्वेश्चन थे मैं मानता हूँ वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने लायक थे बट ये वाला क्वेश्चन स्किप करने के लिए ही बनाया गया है ठीक है बट स्टिल जाते जाते डिस्कस अगर कर लिया जाए स्लोवनलीनेस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बींग डर्टी होना क्या डर्टी होना या सही लग, लग रहा है सिंप्लिसिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिक्शन इम्प्लाइज स्लोवनलीनेस नहीं इसका कोई लेना देना ही नहीं है उसके अलावा आगे लिखा है द एवरेज न्यूज़पेपर रीडर हैज नाइदर टाइम नॉर प्रोपेंसिटी टू पजल ओवर एन सेंटेंस तो अगर ऐसा लिखा हुआ है प्रोपेंसिटी का मतलब होता है एक नेचुरल टेंडेंसी किसी चीज के प्रति ठीक है झुकाव किसी चीज के प्रति उसके लिए बोला जाता है कि हम किसी वे में बिहेव करें ठीक है नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे दैट इज एज प्रोपेंसिटी तो द एवरेज न्यूजपेपर रीडर हैज नाइदर टाइम नॉर है पज़ल ओवर सेंटेंस सेंटेंस मतलब कोई एक जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको क्या करता है एक जो अपने एस्पिरेंट टाइप का जो न्यूज होता है वो भले उसका रिसर्च करेगा एंड ऑल जो नॉर्मल डेली न्यूज के लिए पढ़ता है वो नहीं इतना दिमाग मारेगा उसमें कि उसका मीनिंग क्या है उसका कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस उसका सही से स्ट्रक्चरिंग करे नहीं तो ये सही जा रहा है ठीक है नेचुरल मतलब इंक्लिनेशन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे तो उसके बाद वो चीज़ है नहीं कि मतलब वो नहीं किया ना ही टाइम रहता है ना ही उस तरह की चीज रहती है कि वो अपने आप में बैठ के उसको सेंटेंस को सुलझाए बैठ के तो ये ठीक जा रहा है सिली स्लैंग इज नॉट टॉलरेटेड बाय गुड न्यूज पेपर बट एन एक्सप्रेसिव डेस्टिट्यूट मे बी यूज टू अवॉइड पिडेंट्री तो अब इसके हिसाब से देखिए डेस्टिट्यूट का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो कि मतलब नहीं है ठीक है यू कैन से लैकिंग समथिंग कुछ ऐसी चीज की कमी होना जो होना चाहिए था समथिंग डिजायरेबल लैकिंग समथिंग डिजायरेबल तो उसको बोला जा सकता है क्या उसको बोला जा सकता है डेस्टिट्यूट so, तो सिली स्लैंग इज नॉट टॉलरेटेड बाय गुड न्यूज बट एन एक्सप्रेसिव डेस्टिट्यूट मे बी यूज टू अवॉइड पेडेंट्री तो इधर इसका कोई यूज नहीं होगा तो ऐसे में आंसर अगर लगना है तो ओनली बी लगना है वो भी नॉट श्योर sure के साथ ओके तो इसलिए बेटर होगा इसको स्किप ही किया जाए अगर आप श्योर नहीं हो मीनिंग्स के प्रति ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या लिखा है माई oh गॉड ये फिर से वैसा ही है देखो भाई क्या है देखो मेन है कि ऐसा नहीं है आपको पूरे मेंस के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कुछ होंगे जो डुएबल होंगे कुछ होंगे जो स्किप करने के लिए ही बनाए हैं अब उसमें अगर हम ये और कई बार हो जाता है ऐसे क्वेश्चन सबसे स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो जब दो तीन चार पांच क्वेश्चन ऐसे देख ले दिमाग घूमने लगता है अरे यार तो ऐसे तो मुझे कुछ आता ही नहीं है क्या करूँ चलो लगा देता हूँ छोड़ो यार कौन पता नहीं लास्ट तक ऐसा ही रहता हूँ ये प्रॉब्लम रहती है बट इतना बिलीव मी कि पेपर में एटलीस्ट नहीं तो भी ऐसे दस क्वेश्चन होंगे जरूर जो इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते हैं जो आपका आ, मतलब नंबर स्कोर करवा सकते हैं ठीक है तो वो दस क्वेश्चन ही हमें वो ढूंढना है चालीस में से या पैतीस में से और कुछ भी नहीं करना है लेकिन हमें आदत क्या होती है हमें उन दस क्वेश्चन से ज्यादा हमें चिंता होती है कि हमने पहला ही क्वेश्चन क्या छोड़ दिया पहला ही क्वेश्चन हम क्यों गलत कर रहे हैं पहला ही क्वेश्चन हम क्यों स्किप कर रहे हैं ये टेंशन छोड़ के अगर हमें में जाओगे तो चलेगा बट यस आई आइल से कि ये चीज़ आप कर सकते हो अगर इंग्लिश आपका वीक सब्जेक्ट है एल्स जीए इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग मतलब क्वांट और रीजनिंग में आपको एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो होना जरूरी है जिसमें आप थोड़े से एक्सपर्ट हो ठीक है क्योंकि अगर चारों ही सब्जेक्ट आपके नॉर्मल रहेंगे तो आप कट ऑफ तो चारों की निकाल लोगे अगर सेक्शनल रहती तो ऐसे सेक्शनल रहती नहीं है लेकिन मान लो जो भी एक सेक्शनल होना चाहिए वो सबका भले ही निकल जाता लेकिन आप इसमें ओवरऑल निकाल नहीं पाओगे और ओवरऑल नहीं निकलेगा तो क्या फायदा दस 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 आप सब में ले आओ तो चालीस कट ऑफ तो जाएगा साठ सत्तर के आसपास या अस्सी में भी अब पता तो नहीं है क्या जाएगा लेकिन हाँ सेक्शनल भले ही आप निकाल लो तो वो पॉइंट है इसलिए एक सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा चाहे वो कोई भी हो जिसमें आप नहीं तो भी फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आओ कि अगर आपको चालीस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बीस क्वेश्चन आपके पक्के पक्के सही हो ठीक है इस तरह से रहेगा तब जाके इनफैक्ट थोड़ा और ज्यादा ही होना चाहिए तब जाके वो हेल्प में आएगा तो मोस्ट जो है ओके ओके स्किप है है नॉट श्योर पक्का नहीं ठीक है, है तो देख लेते काफी लोगों ने वैसे वही बोला है कि नहीं पता है ना श्योर नहीं है ठीक है तो अगर देखा जाए यहां पे क्या बोला जा रहा है किस तरह से बोला जा रहा है कह रहे एम्स दिल्ली अलोंग विद द अदर सेंटर्स इन पटना रायपुर राजस्थान पंजाब विल बी ज्वाइनिंग द एजुटेशन इन रेपसोडी विद काउंटर पार्ट इन बेंगल अब इसके हिसाब से देखिए रेपसोडी खैर इसमें तो दिमाग और लगाना ही पड़ेगा ठीक है एग्जैक्ट मीनिंग देखना ही पड़ेगा वॉट डज दैट मीन तब जाके आप वहां तक पहुंच पाओगे तो श्योरिटी तो इसमें नहीं आएगी खैर अभी रोकते हैं वर्बोसिटी मियरली मेक्स वर्क फॉर द कॉपी रीडर्स पेंसिल क्या वर्बोसिटी मियरली मेक्स वर्क फॉर द कॉपी रीडर्स पेंसिल ओके बिकॉज न्यू हेल्पिंग अदर्स दे शॉक्ड हर गेशन ऑफ द कांग्रेसनल स्ट्रीट सीट तो ये तो ठीक है बिकॉज एवरी वन न्यू मेरी लाइक्ड हेल्पिंग अदर्स दे आर शॉक्ड बाय हर एबनेगेशन ऑफ द कांग्रेसनल स्ट्रीट सीड तो उस हिसाब से ये बात तो सही हो जाएगी कि एबनेगेशन मतलब किसी चीज को नेगेट करने वाले सेंस में जाता है तो वो आपका बिल्कुल वहां पे मतलब किसी चीज को रिजेक्ट करना तो भाई जब वो हेल्प करती है तो ऐसे ही तो पॉलिटिशियन चाहिए जो हेल्प करने वाले हो लेकिन उसने वो जो सीट थी वो और कर दी तो इतना तो इतना तय है कि सी सही है। सी यहाँ पे सही है 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 सी 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 पे इतना तय नाउ वी हैव आइदर बी एंड और ए नहीं होगा ए वहाँ पे सेंटेंस का सेंस नहीं बना पा रहे जिस सेंस में हमें चाहिए क्योंकि जो आपका रेप्सोडी होता है रेप्सोडी का मतलब होता है एंथुजियास्टिक फीलिंग ऑफ समथिंग जो कि यहाँ पे नहीं जा रहा है इन रेप्सोडी विद काउंटर पार्ट ना एक्साइटमेंट वगैरह में नहीं होगा जब काउंटर पार्ट है तो ये सेंस ही नेगेटिव जा रहा है कि एम्स दिल्ली अलोंग विद द अदर सेंटर्स इन पटना रायपुर राजस्थान पंजाब विल बी ज्वाइनिंग द एजुटेशन इन एक्साइटमेंट विदर काउंटर नहीं नहीं एक्साइटमेंट नहीं हो सकता पॉसिबल नहीं इसलिए ये गलत होना तय है रही बात वर्बोसिटी की वर्बोसिटी बेसिकली आप लोगों ने सुना ही होगा है ना टी की मतलब जब वो कहते हैं क्या बोलते हैं उसको आ, बहुत ज्यादा बोल मतलब जब जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया था उसको वर्बोसिटी बोला जाता है है ना तो वर्बल डायरिया सुना होगा तो वही है वर्बोसिटी मियरली मेक्स वर्क फॉर द कॉपी रीडर्स पेंसिल तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा तो बी और सी आपका आंसर लग सकता है ओनली बी एंड सी आंसर हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप इसको छोड़ दो ज्यादा अच्छा रहेगा जल्दबाजी में या केवल इस चीज के लिए कि यार हमारा एक भी सही नहीं हो रहा इसलिए इसको करना मूर्खता कहलाएगी अरे यार सारे वैसे ही चलो एक ये वाला लेते हैं ये अच्छा है, एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है इसमें है ये सारे क्वेश्चन इनके आंसर में दे दूंगा सो so दैट आप मीनिंग वगैरह भी देख सको ठीक है क्योंकि अभी ये मोस्ट प्रॉब्लली आप लोग स्किप भी करोगे तो चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जो हम कर सके एग्जाम में तो कम ऑन ये वाला देखो प्लीज डोंट हैंडल द वेज दे आर वेरी फ्रेजाइल और एजाइल अब इसमें आपको सीक्वेंस बनाना है ये भी एक न्यू पैटर्न में आता है आपको जो लगता है यहाँ सही है उसके हिसाब से आपको ये बनाने है सीक्वेंस कौन सा सही रहेगा देखो क्या होना चाहिए कमोन हम्म क्या कहते हो वॉट डू थिंक कैन बी द आंसर प्लीज डोंट हैंडल द दे आर वेरी फ्रेजाइल या एजाइल पता चल रहा है फ्रेजाइल है है भाई जो जो कि ब्रेक हो सकते एजाइल मतलब तो स्पीड ही ही होता टोल्ड द एक्स्ट्रॉडनरी स्टोरी ऑफ एस्केप स्टोरी सही है स्टोरी तो वो बिल्डिंग वाली स्टोरी होती है ठीक है थ्री स्टोरी फोर स्टोरी चार मंजिला उस सेंस में होता है शी वॉन्टेड टू सीवर और सीवियर ऑल हर कनेक्शन विद द फॉर्म तो ऐसे केस में सीवियर नहीं सीवियर नहीं हो पाएगा सीवियर तो एक एडजेक्टिव होता है यहाँ पे टू के हिसाब से सेवर वहां पे परफेक्टली जाएगा वी वन फॉर्म में परफेक्टली फिट होता है ओके आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू तो सेवर का मतलब कुछ कट ऑफ कर देने के सेंस में आता है जो कि बिल्कुल सही है तो आंसर ए, ए ए ए है ना जैसे आर 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 वैसे ही ए ए ए, ए आंसर हो जाएगा दैट इज फर्स्ट वाला पहला वाला सही है इसमें ओके काफी लोगों ने वन 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 बोला है यस आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है द वंस देखो इसमें क्या होना चाहिए करो इसको इसके भी क्वेश्चंस का लेवल अभी बढ़ेगा और इसमें अगर एक आद का शोर नहीं है जैसे हो सकता है सेकेंड वाले में आप शोर ना हो तो फर्स्ट और थर्ड से भी आप शायद आंसर तक पहुंच सकते हो दंस एम टी साइट साइट तो ये होता है नजरे के लिए नजरों के हिसाब से जाएगा साइट सीइंग जैसे होता है लेकिन साइट ठीक है द वंस एम साइट वॉज नाउ कवर्ड विद बिल्डिंग्स ठीक है एक समय जो पूरा साइट वो खाली रहती थी वो एक जगह खाली रहती थी वहां बिल्डिंग्स हो गई हैं इसको छोड़ दो योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन इफेक्ट नाउन होता है अफेक्ट वर्ब है तो बी डैश ए ऐसा बनना है अब ऑप्शन अगर दोनों दिए तो अलग बात है बी डैश ए इधर दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली आंसर बी ए ए हो जाएगा अगर इसका आप श्योर नहीं थे तो भी ऐसे आंसर निकाल सकते इन द हाइड्स दे देयर देअ वैसे भी शिप जो है वो वर्ब के फॉर्म में जाएगा शेयर ये शेयर जो है अपने आप में कट कंट्रोल ऑफ़ मतलब टोटल वाले सेंस में जाता है एडजेक्टिव होता है ये एडजेक्टिव नहीं चाहिए हमें नाउन चाहिए नाउन के फॉर्म एस एच ई ए आर परफेक्ट है ओके आई होप दिस इज वेरी क्लियर ओके तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा थर्ड वाला आ जाएगा बी ए ए अगला देखो क्या है वैसा ही है अपोजिशन पास द वोट ऑफ सेंसर या सेंश्योर ऑन द गवर्नमेंट सोल्जर्स डिड नॉट बॉदर टू मॉडरेट देयर कोर्स या कोर्स ह्यूमर इन हर प्रेजेंस क्या कहते हो वॉट डू थिंक कैन बी द आंसर हियर देखा जाए तो यहां पे हमें क्या कैसे चाहिए क्या करेंगे हम तो शी बोर हर इलनेस with great fortitude अगर ऐसा लिखा है तो शी बोर नहीं हो सकता बोर वर्ब के फॉर्म में चाहिए तो ऐसे में ये चलेगा बियर बोर और बोर्न होता है ना तो बियर मतलब वो वजन उठाने वाले से जैसे जाता है ना मतलब उस चीज को अपने कंधे पे लेकर चलना तो शी बोर आर इलनेस विद ग्रेट फोर्टिट्यूड मतलब फाइटिंग स्पिरिट वाले में फोर्टिट्यूड तो ये सही है कोई दिक्कत नहीं दपोजिशन पास द वोट ऑफ सेंसर या सेंशुर सेंसर मतलब क्रिटिसिज्म होता है है ठीक तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे क्या है अब अपोजिशन है क्या करेगा सेंसर बोर्ड वाला काम तो नहीं करेगा सेंसर जरूर कर सकता है तो आपका सेकेंड वाला भी पक्का हो जाता है बी हो जाएगा है ना और उसके अलावा सोल्जर्स डिड नॉट टू मॉडरेट देयर कोर्स या कोर्स ह्यूमर अब ह्यूमर के हिसाब से अगर चलना है तो कोर्स ये नाउन होता है हमें चाहिए एडजेक्टिव कोर्स ह्यूमर इन हर प्रेजेंस ऐसे में बीबीए आंसर आ जाएगा बीबीए बीबीए

कैरियर नहीं और इसका प्रोनाउंसिएशन कैरियर होता है तो काफी लोग बोलते हैं अरे मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ भाई कैरियर बनाओगे ठीक है एम करो मना ही नहीं है बट कैरियर बनाना कैरियर बनाना अच्छा करियर बनाओ किसी एक चीज में वो ज्यादा सही रहेगा ठीक है कैरियर के दो मीनिंग होते हैं या तो एक वो जो साइकिल कार्ट कैरियर होता है या एयरक्राफ्ट वाले सेंस में भी कैरियर बोला जाता है दी स्मॉल कंपनीज नाउ हैव देयर ओन डिस्क्रीट और डिस्क्रीट आइडेंटिटी

स्मॉल कंपनीज नाउ हैव देअर ओन डिस्क्रीट आइडेंटिटी डी आई एस सी आर डबल या डी आई एस सी आर ई टी कौन सा वाला सही होगा? अगर देखा जाए यहां पे, डिस्क्रीट ये सही रहेगा सेपरेट के सेंस में जाता है इसलिए ये सही होगा सेपरेट आइडेंटिटी दी स्मॉल कंपनीज़ नाउ हैव देयर ओन सेपरेट आइडेंटिटी दैट मीन्स यहाँ पे बी वाला परफेक्ट होगा ना कि ए वाला ठीक है डी आई एस सी आर डबल ई टी अगर ये यूज कर रहे हो तो डिस्क्रीट वो होता है केयरफुल के सेंस में यूज किया जाता है ठीक है केयरफुल रिगार्डिंग सब तक इनको डिसीजन वगैरह लेते हुए तब डिस्क्रीट यूज किया जाता है और यहाँ पे डिस्क्रीट डी आई एस सी आर ई -E टी -E होना चाहिए तब जाके वो सही होगा सेपरेट के सेंस में ओके आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर कैसे याद रख सकते हो अगर कन्फ्यूजन रहती है डिस्क्रीट में देखो ई और ई ई सेपरेट हो गए सेपरेट हो गए ना टी से तो यहाँ पे डिस्क्रीट का मीनिंग सेपरेट रहता है ठीक है और डिस्क्रीट जब लिख रहे हो तो ऐसे केस में वहां उसका मीनिंग केयरफुल वाले सेंस में आ जाता है तो याद रखने के लिए ये आपके लिए सही रहेगा ठीक है केयरफुल मतलब केयरफुल इन वन एक्शन केयरफुल इन वन स्पीच उसके लिए डिस्क्रीट लगाया जाता है तो यहाँ पे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इधर दोनों ई जुड़े हुए नहीं है जैसे इधर थे तो जहाँ जुड़े नहीं है अलग है अलग है मतलब सेपरेट है सेपरेट है मतलब इसका मीनिंग सेपरेट आ जाएगा इससे आपको याद रहेगा कि क्या इसका मीनिंग जा रहा है ओके आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर टू एवरी वन बाकी डिसेंटली क्या डिसेंट मतलब तो कुछ डाउन होना डिसेंट जैसे होता है तो ऐसे ही डिसेंट हो जाएगा डाउनफॉल आने के सेंस में ये दिया करियर होता है इसीलिए आपने अगर कभी गौर किया हो तो करियर जब लिखा रहता है करियर काउंसलिंग या कुछ भी तो आप देखोगे हिंदी में लिखते वक्त करियर की स्पेलिंग ऐसे लिख के यहाँ केवल चंद्राकार होता है ए की मात्रा नहीं होती तो वो चंद्राकार का वैसे आज सच कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं आता इसलिए इसको करियर बोला जाता है कैरियर नहीं कैरियर ये है तो यहां पे एयरक्राफ्ट के हिसाब से कैरियर इज टोटली फाइन नॉट करियर ओके यस तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा ओला आंसर हो जाएगा ट्रिपल बी ट्रिपल बी आंसर मार्क किया जाएगा ओके इसको होमवर्क में करना ये होमवर्क में करना सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ठीक है इसको कमेंट सेक्शन में सभी लोग होमवर्क में करने की कोशिश करना और बाकी सब आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बिल्कुल मेंस लेवल में जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हैं इनको सभी लोग जो है अपने पीडीएफ मिल जाएगा और पीडीएफ के बाद जो है ये क्या हो जाता है बार बार तो पीडीएफ मिल जाएगा पीडीएफ में से आप जो है इसको कर सकते हो पीडीएफ मिलेगा पीडीएफ में ऐसा फॉन्ट का इशू नहीं रहेगा ठीक है नॉट टू वरी तो ये नए पैटर्न का टेस्ट है आप चाहो तो इसको भी जाके देख सकते हो चेक कर सकते हो ठीक है ये क्या है क्या नहीं वो आपको दिख जाएगा बाकी इस सेशन को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूं कि काफी सारे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस से अब आप रूबरू हो चुके हैं सेंटेंस कनेक्टर हमने देख लिया पैरा कंप्लीशन देख लिया मैच द कॉलम्स देख लिए वर्ड यूजेज के अलग अलग क्वेश्चन देख लिए और उसके अलावा वर्ड सीक्वेंसिंग जो ये अभी देखा था वो भी वर्ड यूज का ही पार्ट था तो इतने सारे क्वेश्चन हम अभी तक देख चुके हैं न्यू पैटर्न में अगर इनमें से कुछ भी एग्जाम में आता है तो यू आर वेल प्रिपेयर ठीक है बस इनमें करना ये है कि इस तरह के वर्ड्स में जो वर्ड्स आते हैं वो क्या बात है उनके लिए थोड़ा सा आपको सक्रिय रहना पड़ेगा ओके बाकी अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं अगले साल के लिए प्री मेन डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू जीडी डी पांचों लेवल की वो भी एक ही बैच में तो दिस बैच इज फॉर यू इसमें आपको मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीए कंप्यूटर और साथ ही साथ हिंदी छओ चीज़ें छः सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं और सारे एग्जाम्स का कवरेज हो जाएगा मैथ बैंक है मतलब बैंक के सारे एग्जाम्स एस बी आई जितने भी है क्लर्क पीओ लेवल सब चीज़ें इधर कवर हो जाएंगी तो अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो कोर्स में जाके फिर आप पास पे जा सकते हैं ठीक है कोर्स में जाने के लिए आप क्या कर सकते हो आप केवल इतना करिए कि आप टेक्स्ट बुक का जो अभी आप सेशन देख रहे हो यूट्यूब पे ही तो आप यूट्यूब को वैसे ही जैसे अभी खोले हुए वैसे आप ऑन करो ठीक है जैसे आपने यूट्यूब खोला यूट्यूब खोल के अभी जो सेशन हमारा लाइव चल रहा है हम उसकी तरफ जाएंगे उसकी तरफ जाएंगे ये है जैसे है ना तो इस सेशन में आप क्या करोगे इस सेशन के बिल्कुल एंड पे जाना एंड पे भी मत जाना इनफैक्ट स्टार्टिंग में मिल जाएगा देखो ये है टेस्ट बुक पास खरीदना है आपको तो आप क्या करोगे टेस्ट बुक पास के लिए यहाँ पे टेस्ट बुक पास का आपको मिल जाएगा ये ठीक है इसमें जाके आप लिंक के थ्रू डायरेक्ट जा सकते हो इफ यू वॉन्ट एल्स मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ सो दैट आपको दिख जाएगा और अगर ये है क्या टेस्ट बुक पास और इसमें टीम पास इस कोड का इस्तेमाल कर लेना बैच लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो वहां पे बैच लेना है तो आप यहाँ पे बैच पे जाइए ओके बैच पे जाइए खोलो भाई लोड हो रहा है टाइम लग सकता है कोई बात नहीं आप इसमें जाके सेलेक्ट लाइव कोचिंग पे जा सकते हैं डायरेक्टली ठीक है टेक्सटबुक की वेबसाइट डायरेक्टली खोलिए सेलेक्ट की आप जब कोचिंग खोलोगे आपको मिल जाएगा इसमें जाके फ्रेशर्स ये टाइप कर दीजिए ठीक है वैन यू टाइप फ्रेशर्स जैसे आप फ्रेशर्स टाइप करते हो उसके बाद आपको क्या आपको वो बैच सारे दिखने लगे जो फ्रेशर्स नाम से है और उसमें बैच टू जो है अभी रिसेंट है एस का भी बैच फ्रेशर्स बैच है बैंक का भी आपको मिल जाएगा ठीक है नाबार्ड का भी फ्रेशर्स बैच आपको दिख रहा होगा उसके अलावा बैंक का ये बैच टू है जो अभी मैं बता रहा था उसमें आप जाके गो टू कोर्स पे जाइए गो टू कोर्स पे जाने के बाद फिर आप क्या करेंगे आप लोग जो है डेमोज देख सकते हैं डेमो वीडियो डेमोस्टेशन सारे देख सकते हैं बहुत सारे इसमें डेमोज आपको मिल जाएंगे ओके उसके अलावा आप जो है क्या कर सकते हैं हर एक कोर्स का स्टडी कर सकते हैं कोर्स में क्या क्या, क्या चीजें इन्होंने इंक्लूड की है तो क्वांट में कौन कौन से टॉपिक्स है इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जनरल अवेयरनेस इंग्लिश में है तो ये अगर है तो इंग्लिश में नाउन्स है जैसे तो नाउन्स की कितनी क्लास जा रही है एक दो तीन चार चार क्लास नाउंस की जा रही है प्रोनाउंस है तो प्रोनाउंस की कितनी क्लास है प्रोनाउंस की भी चार क्लास दिख रही है इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कितना जो है काम चल रहा है यहाँ पे मतलब कितना जो है कवर कितना डिटेल में ये कवर होने वाला है और भी बाकी चीजें पढ़ सकते हो आप कि लोगों का क्या कहना है बाकी फैकल्टीज के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं एंड फाइनली यू कैन गो टू द एंड ऑफ द पेज वेन यू मूव टू वर्ड द पेज यू कैन यूज दिस अपलाई कूपन और अप्लाई कूपन में आपको क्या करना है आपको कूपन कोड यूज करना है तो बैच खरीदने के लिए पी ए डबल एस पास जो है वो आपको हेल्प करेगा पास करते ही आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है तो नाउ यू कैन अवेल दिस बैच एट जस्ट थर्टी टू हंड्रेड रुपीज जिसका वैसे जो प्राइस था थर्टी टू हंड्रेड में आपको मिल रहा है ओके और साथ ही साथ क्या है इस बैच में एक बैच आप ये ले रहे हो ये वाला इसके बाद आपको ना ही आपको किसी और बैच को लेने की जरूरत है ना ही पड़ेगी क्योंकि इसमें आपका सब कवर्ड है सारे लेवल्स भी कवर्ड है प्री मेन्स इंटरव्यू डिस्क्रिप्टिव जी सब चीज रिकवर्ड है और क्या चाहिए है ना और हर एक एग्जाम एक का भी कवरेज है तो इसी के साथ सेशन को यही रोकते हैं होमवर्क मैंने दिया है होमवर्क को जरूर कीजिएगा आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कॉमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि कैसा लगा सेशन हाउ वॉज अ सेशन दैट ऑल्सो डू लेट मी नो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में टिल देन अपना ख्याल रखिए बाय टेक केयर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग